तो दोस्तों आज को हम लेकर के एक बार फिर से बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल के साथ जो गाइस बहुत ही कमाल का बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। सो दोस्तों बहुत दिनों से हमारी जो वीडियो है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा। दोस्तों आप लोगों को पता है किस टाइम पे शादी विवाह का बहुत ही ज़्यादा सीजन चल रहा है, इसलिए दोस्तों उसमें थोड़ा बिजी था इसलिए मैं उतना अच्छा वीडियो के लिए क्रिएट नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों अब से फिर से मैं उसी अंदाज में आने वाला हूँ और इस वीडियो में भी लेकर के आ चुका हूँ बहुत ही कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल के साथ, जो कि बहुत ही कमाल के इफेक्ट और बहुत ही कमाल के एनिमेशन को क्रिएट किया गया। एंड दोस्तों हमने अभी पिछली अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड किया है कैसे आप हमारे प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर से एक बार देख लीजिएगा, आपका सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों आज का प्रीव्यू दिखाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका भाई इसी प्रकार का बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता है। दोस्तों जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा पता है आपको, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा जरूर दबाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीव्यू को देखेंगे एंड उसे कैसे कैसे क्रिएट करना है सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का यह प्रीव्यू स्टेटस, जिसमें गाइस बहुत ही कमाल के एनिमेशन को क्रिएट किया गया है और इसमें आपको एक हार्ट वाला जो एनिमेशन देखने को मिला है जो कि बीच में और उसके पीछे भी बैकग्राउंड वगैरह भी क्रिएट किया गया है। तो ये सब कैसे हो रहा है, इसमें आप अपना फोटो एंड किसी का फोटो आप कैसे लगाएंगे सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो ये आप कैसे क्रिएट करेंगे बिल्कुल आसान स्टेप में आपको बताऊंगा, तो बस आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान लगा के देख लेंगे तो आप भी बना लेंगे इस प्रकार का बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलिए दोस्तों चलते सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन पर, लेट्स गो। सो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग वीडियो क्रिएट करने वाले हैं, जो कि अभी आपने प्रीव्यू देखा है। सो गाइस इसमें जितने भी स्टेप आपको बताए जाएंगे सभी स्टेप बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। सो गाइस सबसे पहले आपको बता दें इस प्रकार के वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम दोस्तों अलाइट मोशन, ये आपको प्ले स्टोर पर देखने मिलेगा बहुत आसानी से। एंड दोस्तों इसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर एक बार विजिट कर लीजिएगा, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर हमने इसको पिन करके रख दिया है। एंड दोस्तों उसके साथ साथ इसमें कौन कौन से मेटल की जरूरत पड़ेगी जैसे सॉम्बी मार्क का सर्टिफिकेट एंड प्रीसेट एक्सएमएल फाइल सब आपको इसका लिंक देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर सबसे पहले इसको डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लीजिए। एंड दोस्तों इसको डाउनलोड करने के बाद इंपोर्ट कैसे करना है वो भी मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बता दिया है, तो आप कैसे सबसे पहले क्रिएट करेंगे वो आपको बता देते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको अपना जो गैलरी है इसको आपको ओपन करना है। मान लीजिए आपको इस फोटो पर या फिर किसी फोटो को वीडियो क्रिएट करना होगा तो आपको उस फोटो पर क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। सबसे पहली बात उस फोटो पर आपको क्लिक करना है। पर गाइस मैंने एक लेटेस्ट फोटो को डाउनलोड किया, तो यहाँ पर हम इस फोटो को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम सही पर टिक करेंगे। यहाँ पर जो आपका पिक कार्ड अपन दिख रहा है इस प्रकार से क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्रॉप कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर गाइस स्टोरेज सर्विस सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेते हैं। सो गाइस डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार से आपको इसका फोटो कन्वर्ट कर लेना होगा, सिर्फ एक फोटो की जरूरत पड़ने वाली है और हो सकता है तो आपके पास अगर फोटो होगा एक्स्ट्रा तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक फोटो का यूज़ किया हूँ, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर अपने हम अलर्ट मोशन को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट का यूज़ होगा सब आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा मेरा दिल ले लिया कुछ इस प्रकार से सॉन्ग बीट मार्क एंड सेक इफेक्ट। तो जो हमारा पहला सॉन्ग बीट मार्क है इसको हम ओपन करेंगे एंड यहाँ पर आपको जितने फॉन्ट इसमें यूज हुए हैं वो फॉन्ट आपको देखने मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप फॉन्ट को भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा कुछ इस प्रकार का हमने लिरिक्स लिख के रखा है। मैं आपको सेम टू सेम अगर आप फॉन्ट यूज़ करेंगे तभी आपका ये वर्क करने वाला है, ओके। तो गाइस सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर एक फॉन्ट आपको डाउनलोड कर लेना होगा, सिंपली एडिट पर क्लिक करेंगे। इस पर अभी इफेक्ट लगाना बाकी है तो वो भी आपको बताऊँगा कि कौन सा इसमें इफेक्ट लगेगा। तो गाइस हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ इफेक्ट देखने को मिल जाएगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने एक फॉन्ट इसमें यूज़ किया था डेंजर जॉन के नाम से, तो ये भी फॉन्ट आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको सिंपली जो फॉन्ट है आप डाउनलोड करने के बाद आपको इसी पर क्लिक करके रखना है, एडिट सेप पर जाना है और यहाँ पर आपको जाने के बाद यहाँ पर जो आपका डेंजर जॉन है इसको आपको सेलेक्ट कर देना है, इसको इस प्रकार से लगा देना है। फिर आप गाइस इसी प्रकार से आपको सेम टू सेम करना है जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो जो मैंने फॉन्ट यूज़ किया था, ठीक है, उसी फॉन्ट को यहाँ पर आपको यूज़ करना है। यहाँ पर अभी इफेक्ट बाकी है, आप कौन सा इफेक्ट लगाएंगे वो भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम उस फॉन्ट को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते गाइस कुछ इस प्रकार से ये फॉन्ट है, तो यहाँ पर हमने इस फॉन्ट को इस प्रकार से लगा लिया। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ तक हमारा फॉन्ट है दोस्तों कि ये हमारा फॉन्ट है, इस पर भी क्लिक करके हम उसी फॉन्ट को यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। अभी ये गाइस कुछ इस प्रकार से ये हो गया है
अब गाइस ये हो जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ प्रकार का आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर भी हमने कुछ अलग तरीके का लगाया हूँ, तो उसके अंदर आप कैसे फोटो अपने लगाएंगे। सबसे पहले दोस्तों स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको ये जो एनिमेशन आपको बीच में दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार का ये है, तो इस आपको इस पर अपना फोटो ऐड करना है। तो फोटो ऐड करने से पहले आपको 9:16 का जो रेजोल्यूशन है यानी दोस्तों जो स्टोरेज साइज है उसमें आपको फोटो इसमें ऐड करना होगा। उससे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, कलर पर जाएंगे, स्टोर आइकन पर क्लिक कर देंगे एंड जो भी आपको फोटो पसंद था फोटो यहाँ पर आप क्रॉप करके इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये वाला फोटो यूज़ किया है तो आप चाहे तो दूसरा फोटो भी यूज़ कर सकते। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको ये ब्लू कलर की मार्क आपको दिखाई दे रहे हैं ना कुछ इस प्रकार से गाइस, इस पर भी क्लिक करके आप सेम टू सेम फोटो को ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर जो आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने इस प्रकार से फोटो को ऐड कर लिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको आगे जाना है तो थोड़ा थोड़ा जगह पर आपको कुछ इस प्रकार से आपको मार्किंग देखने को मिल जाएगा तो आप यहाँ पर ये फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको आगे जाना है और यहाँ पर आपको ये जो एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है सिंपली हमको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कलर पर जाना है, स्टोर आइकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको फोटो को ऐड कर देना है। आप चाहे तो कोई दूसरा फोटो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार के एनिमेशन क्रिएट हुआ है। तो फिर आपको आगे जाना है और यहाँ पर गाइस ये जो आपका एनिमेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसका जो आई से इसको आपको ऑन रख देना है। अभी गाइस स्टार्टिंग में जो फॉन्ट था इस पर इफेक्ट लगाना बाकी है, वो कौन सा लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रही है। सो गाइस स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है और आपका देखिए गाइस ये छूट गया। ठीक है, आपको इसी प्रकार से ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ ये छूट जाएगा वहाँ वहाँ आपको इसको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो फोटो ऐड हो गया, फिर आपको आगे जाना, इस बीच में आप कैसे फोटो लगाएंगे। यहाँ पर आप चाहे तो बॉय का फोटो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और एडिट ग्रुप पर जाएंगे और यहाँ पर गाइस जो मैं फोटो यूज़ करने वाला कुछ प्रकार से ये है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, कलर पर जाएंगे, स्टोर आइकन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो मैं फोटो यूज़ करने वाला कुछ प्रकार से यही है। तो आप चाहे तो यहाँ पर कोई और बॉय का फोटो भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको मैंने प्रीव्यू में दिखाया था। तो गाइस यहाँ पर हम बैक कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल का लग रहा है। ठीक है, फिर आपको स्क्रॉल करके आगे जाना है गाइस। आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने जाएगी खाली वीडियो। ठीक है, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और प्लस पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे और यहाँ पर आप जो मोट फोटो मैंने यूज़ किया है ये फोटो आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों आपको स्टार्टिंग पोजिशन पर आना है और यहाँ पर अब ये फॉन्ट लगाना बाकी है दोस्तों, जो हमारा इफेक्ट है फॉन्ट पर वो बाकी है। तो हम बैक करेंगे और अपने सेक इफेक्ट में आ जाएंगे और जो हमारा ये पहला इफेक्ट है हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और आपका जो ये प्रोजेक्ट है इस पर क्लिक कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पर हम जो ऊपर में फॉन्ट है इस फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करके इस इफेक्ट को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब गाइस ये बीच में जितने मैंने फॉन्ट वगैरह यूज़ किया था, जो हमने लिरिक्स लिखा था, इसको हम यहाँ पर जो सभी पर आपको इस प्रकार से पेस्ट कर देना होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अभी गाइस जो हमारा लास्ट में ये फोटो है इस पर हमको इफेक्ट लगाना है, तो बैक करके सेक इफेक्ट में आ जाएंगे और जो हमारा ये वाला फोटो है इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे और आपका जो प्रोजेक्ट है इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और इस फोटो पे हम क्लिक करेंगे, इस इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो गाइस हमारा जो वीडियो है इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। अब उससे पहले आपको इसमें एक वीडियो का टेम्पलेट ऐड करना होगा, तो हम प्लस पे क्लिक कर लेते हैं, मीडिया पर जाएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डाउनलोड बटन में कुछ इस प्रकार का प्रोजेक्ट है, आपको दिखा देते हैं। तो गाइस आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको मेरे वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ से ये जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये ग्लिच इफेक्ट है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम इस प्रकार से पहले मिला देते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और इसको हम फुल स्क्रीन कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अभी गाइस इसी पर क्लिक करके रखना है और ब्लेंडिंग ऑपोसिटिव जाना है, लाइटरूम पर जाना है, इसको स्क्रीन कर देना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये स्क्रीन हो जाएगा। फिर आपको जब लास्ट का जो बीट है आपका, आपको इसी पर क्लिक करके रखना है, नेक्स्ट आपका जो बीट है इसको कट कर देना है, फिर इस पर क्लिक करके इसका जो वॉल्यूम इसको जीरो कर देना है। अभी गाइस ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने से पहले आपको सेटिंग बगल में बॉक्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको जो भी साइज़ का रेजोल्यूशन रखना होगा वो रख करके इसको आप बहुत आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं।